हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। कल हमने क्या किया था? कल हमने ब्लड की कॉम्पोजिशन की थी, ब्लड के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, एंड वी हैड रेड कि ब्लड हैज टू पार्ट्स, द प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देन हमने तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आवर टूडेज टॉपिक इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन का क्या मतलब है? इट इज मेंट बाय ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के सेल्स को, प्लाज्मा को रोकने का एक तरीका है कि उसको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बना के उसको पकड़ लो, उसको कैच कर लो और उसको फ्लो होने से बंद कर दो। व्हाट इज ब्लड ब्लड कोएगुलेशन? इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टेसिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज। हेमोस्टेसिस का ही एक ये टाइप है, एक फिनोमिना है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग द सीरियस इंजुरीज। क्योंकि अगर सीरियस इंजुरी कोई हो गई एंड ब्लड हमारा लगातार फ्लो कर रहा है तो क्या हो सकता है, सारा का सारा ब्लड जो है वो लॉस हो सकता है हमारी बॉडी से। The next thing is the phenomena or the steps of blood coagulation. देखो, first of all क्या होगा, site of injury है, किसी के कोई चोट लगी है तो क्या होगा, platelets and tissues क्या हो जाएंगे, clump हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, जो platelets and tissues है they will release the thromboplastin। Thromboplastin release करने के बाद वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाएंगे एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोलाइसिस द प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू द थ्रोम्बिन। व्हेन द प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू द थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इन द सॉल्युबल फॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन this fibrin converts into the insoluble form and jahan pe dead and damaged formed elements hai wo kya ho gaye, trap ho jate hain and clot ho jate hain, clot ko coagulum bhi bola jata hai। to itna easy sa ye phenomena hai, isme thode se steps hain jo bahut important hain। first of all site of injury, jahan pe hamare chot lagi hai wahan pe platelets and tissues kya hai, क्लंप हो जाते हैं एंड दे रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म्स द थ्रोम्बोकाइनेज और द प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम्स। प्लेटलेट्स ने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज किया, थ्रोम्बोकाइनेज ने कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया एंड थ्रोम्बिन ने क्या किया, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो फाइनल हमारा स्टेप है वो फिब्रिन से रिलेटेड है कि फिब्रिनोजन क्या होता है, फिब्रिनोजन इज द सॉल्युबल पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, लेकिन जो फिब्रिनोजन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फिब्रिन, मतलब कि इनसॉल्युबल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड डेड एंड डैमेज जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं क्लॉट के अंदर या कोएगुलम के अंदर। ठीक है, इसमें हमारे मेन स्टेप्स क्या हैं, एक कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं, बेसिकली ये मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो, सबसे पहले तो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स ने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने रिलीज किया प्रो थ्रोम्बी थ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन भी हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ब्लड में, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया।
एंड थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया. फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, और फिब्रिन ने क्या किया, फिब्रिन ने ट्रैप कर लिया ऑल द ब्लड सेल्स को. ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, क्लॉट. क्लॉट किसका बनता है, ये जो ये आपको डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं, ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्होंने सेल्स को अपने अंदर बांध के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, ये क्या है, ये एक ब्लड क्लॉट है. दिस इज द थ्रोम्बिन. ठीक है, सो द थिंग इज सबसे पहले प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिनेज को रिलीज किया, प्रोथ्रोम्बिनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, और फिब्रिन धागे वाले स्ट्रक्चर्स है जिन्होंने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया हमारे सेल्स को, जितने भी सेल्स क्या है प्रेजेंट है. इंजरी क्या करती है, ब्लीडिंग को रिजल्ट करती है. क्यों और कैसे, क्योंकि इंजरी जब भी हो जाती है तो हमारी ब्लड वेसल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. इसी वजह से हमारा खून जो है बहना शुरू हो जाता है. स्टूडेंट्स, हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, कहीं पे भी कोई भी कट होता है, इंजरी होती है तो ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं, कट हो जाती हैं. बट इसको एक कंट्रोल करने का एक तरीका है ब्लड कोएगुलेशन. हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाती हैं, एंड कोएगुलेट के थ्रू जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है, एंड इसी तरीके से हमारी जो सारी हीलिंग है बॉडी अपने आप कर लेती है. द थिंग इज द इंजरी दैट रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग, द ब्लड कोएगुलेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू हेमोस्टेसिस. हेमोस्टेसिस मतलब क्या होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को, प्रेशर को, बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी कॉम्पोजिशन को मेंटेन करना, दिस इज हेमोस्टेसिस. हेमोस्टेसिस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज मेंटेनिंग द बॉडी स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एवरी कंडीशन एज इट इज इन एवरी कंडीशन. ठीक है, जैसे कि गर्मियों में हम क्या करते हैं, ठंडे इन्वायरमेंट में रह के अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़ों के अंदर अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. ये जो चीजें हैं दीज आर द प्रोसीजर्स टू द हेमोस्टेसिस. नाउ हमारी ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप्स आर ऑफ फोर टाइप्स, A, B, and O. ये क्या है हमारा RBCs जो इस भाई साहब ने बनाया हुआ है. डिस्कवर किसने किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने. ये जिसका ये कौन है, ये कार्ल लैंडस्टेनर है. इसने ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी की थी. इसने ABO ब्लड ग्रुप को इंक्लूड किया था. ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O. स्टूडेंट्स, अब आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो टाइप ए के अंदर क्या लिखा है. टाइप ए के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल बना हुआ है हमारे पास, और उसके ऊपर ये ग्रीन कैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. मतलब ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है आरबीसीज की सरफेस के ऊपर टाइप ए वाले ब्लड पे. एंड टाइप बी वाले ब्लड पे कौन से प्रेजेंट है, ब्लू वाले. एंड ए बी वाले में दोनों टाइप्स के प्रेजेंट है, एंड ओ वाले में किसी भी टाइप के नहीं प्रेजेंट है. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. लेट अस स्टार्ट. तो देखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन. आरबीसी के सरफेस पे क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं. और एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन आर द केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेज. मतलब एंटीजन सरफेस के ऊपर लगे हुए ऐसे केमिकल्स हैं
जो क्या करते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्सेस को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, इंड्यूस करते हैं। किस टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए के ऊपर एंटीजन ए लगे हैं, ब्लड ग्रुप बी के ऊपर एंटीजन बी लगे हैं, ब्लड ग्रुप ए बी के ऊपर एंटीजन ए बी लगे हैं, और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कुछ भी नहीं लगा है। ओ का मतलब होता है जीरो, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं है। और ये जो एंटीजन होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस के ऊपर। ठीक है, थिंग इज दैट द एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी।